नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित आप सब होंगे। आप सभी ये जानते हैं कि आज केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना जैसी घातक महामारी से संघर्ष कर रहा है। पिछले 70 दिनों से लगातार गुजरात का हर एक व्यक्ति परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोरोना से खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है। अभी तक के इस लंबे सफर में और अभी तक के हमारे प्रयासों से हम काफी हद तक अपने राज्यों में कोरोना का संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न में सफल हुए हैं। आज मैं अपने सब उन सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद करता हूं और उनके प्रति हृदय से आभार भी प्रकट करता हूं, जिन्होंने मौजूदा हालात के दौरान अपनी जान और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता किए बिना लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों ने अच्छी सेवाएं प्रदान की है। साथियों, गुजरात निर्देशालय के एनसीसी के कैडेट्स, उनमें एक ही जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ कोरोना वॉरियर की जिम्मेदारी को निभाया है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस बल और सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ आप सभी एनसीसी कैडेट्स के इस कोरोना के दरमियान जो आप लोगों ने सेवा प्रदान की है, श्रमदान किया है, राज्य हमेशा याद रखेगा। एनसीसी कैडेट्स तो वैसे भी अपने समर्पण और देशभक्ति के लिए जाना जाते हैं। यह संस्था देश और समाज के निर्माण करने और उससे पोषित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोविड से, कोरोना से इस लड़ाई में गुजरात के एनसीसी कैडेट ने जिस तरीके से अपना हिस्सा लिया है और आपके समर्पण और कर्तव्य भावना का यह श्रेष्ठ उदाहरण भी है। त्याग और समर्पण तो एनसीसी का इतिहास रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी सहित कई राजनेताओं और बड़े अधिकारियों भी एनसीसी के सदस्य रहे हैं। एनसीसी अनुशासन का नाम है। आपके इस अनुशासन का लाभ कोविड के दौरान हमारे राज्य को भी मिला है। हम सभी को ये बहुत ही अच्छे से याद है कि जैसे गुजरात एनसीसी निर्देशालय ने लॉकडाउन के तुरंत बाद ही अपने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और आपके इस सहयोग के लिए राज्य सरकार आपके आभारी है। एनसीसी कैडेट के अपने सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी ने इस विकट परिस्थिति में जनता की सेवा करने के लिए, सरकार को सहयोग देने के लिए शपथ को पूरा किया है। साथियों, मैं ये बहुत ही अच्छे से समझता हूं कि सरकार ने किन परिस्थितियों में कोविड में उनके सामने संघर्ष किया है। आप भी हमारे साथ इस लड़ाई में भागीदार रहे हैं। मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि कैसे आपके एक एक कैडेट ने जिलों में जाकर, गांवों में जाकर लोगों की सेवा दी है और सुविधा पहुंचाई है। आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट और राहत सामग्री, दवा, भोजन, आवश्यक चीज वस्तुओं का वितरण, फूड पैकेट्स की पैकिंग और वरिष्ठ नागरिकों को मदद करने के जैसे कार्यों को बहुत ही सेवा भाव के साथ पूरा किया है। इतना ही नहीं, आप में से कुछ कैडेट ने सोशल मीडिया और वीडियो के दूसरे माध्यमों का सदुपयोग करते हुए कोविड से बचने के उपाय की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई है। साथियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सभी ने अभी तक अपनी जिम्मेवारियों को निर्वहन पूरी तन्मयता के साथ किया है, लेकिन इसके पीछे आपने कितनी तैयारी की है यहां उसका जिक्र भी किया जाना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी है कि आपने तैनाती से पहले कैसे कोविड के लिए सावधानियां
क्या करे और क्या न करे, उसका प्रशिक्षण, स्वयं को सैनिटाइज कैसे रखे, प्रशिक्षण उन पर आपने किया है और IGOT पोर्टल पर स्वयं को इस काम के लिए प्रमाणित भी किया। आप सभी गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा कोविड पर आयोजित वेबिनार में भी आप शामिल हुए और इस तरह के आपने पूरी प्रोसेस को साथ स्वयं को इसके लिए तैयार किया। इसके बाद आप लोगों की सेवा के लिए आप जमीन पर उतरे। साथियों, कोविड के खिलाफ लड़ाई में आप लोगों ने केवल अनुशासन और सेवा भाव का ही परिचय नहीं, बल्कि अपने विचारों और तकनीक के इस्तेमाल से भी लोगों को आपने जागरूक भी किया है। कोविड से रोकथाम के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप का जो तैयार किया था, भारत सरकार के साथ गुजरात सरकार ने भी लोगों को अपील की थी वे आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड कर स्वयं को सुरक्षित करें। मुझे आप सभी के सामने ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है और आप लोगों ने इस डाउनलोड और आपके आसपास के सभी लोगों को भी डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और किया भी होगा। इतना ही नहीं, कोविड के बचने के लिए लोग जागरूक बने, इसके लिए सरकार ने हूं पण कोरोना वॉरियर अभियान की शुरुआत की है। मुझे ये कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि आप में से कई कैडेट्स इस अभियान का भी हिस्सा बने हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इस तरह अपने सामूहिक प्रयासों से जल्द ही अपने राज्य को कोरोना से मुक्त करने में सफल हो पाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।